गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग आयुष। आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है तो बताओ, देन वील स्टार्ट। चिन्मय इज आस्किंग, करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का प्रिपेयर करना है? सी, एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर जो पिछले एग्जाम से इस एग्जाम के बीच का टाइम है, उतना तो प्रिपेयर करना ही है, तो पहले उतने पे ध्यान दें। परितोष, गुड इवनिंग, बताओ आवाज आ रही है क्या? तो वी विल स्टार्ट। सो फॉर पीपल हु आर न्यू हियर, लेट मी टेल यू कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग यूनिट 10 ऑफ MPPSC। प्रिलिम्स का जो सिलेबस है उसका यूनिट 10 है। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह देख रहे हैं। वी हैव डन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव डन द स्टेट इलेक्शन कमीशन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। वी हैव डन UPSC यस्टरडे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड टुडे वी विल बी डूइंग MPPSC। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बताओ यार। तो तब तक थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या किया। तो कल डिटेल में हमने UPSC को देखा था, या चलो मैं MPPSC के साथ कंपेयर करते हुए ही बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्लास बिकॉज हमने UPSC में मोस्टली चीज़ें कवर करी हैं। एंड सिमिलरली, जैसा मैंने बताया कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया था, उसके बाद हमने स्टेट किया, तो इट गेट्स ईजी टू रिलेट बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड हमारा स्टेट लेवल पे। तो जब हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ में करते हैं, तो इट मेक्स आर टास्क ईजियर एंड हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो कल हमने UPSC काफी डिटेल में देखा था, तो आज MPPSC में हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जैसे UPSC आपका सेंट्रल लेवल पर है, यूनियन पब्लिक सर्विस है, द वर्ड यूनियन, वैसे ही आपका SPSC आता है, यानी कि स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एंड वट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट दी सेट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, तो हमने इलेक्शंस में देखा था कि पार्ट 15 था जो डील कर रहा था, पार्ट 14 था जो आपका UPSC से डील कर रहा था। द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल 315 से 323 तक के जो आर्टिकल्स हैं, दे डील विद योर पब्लिक सर्विस कमीशन। सो लेट्स फोकस हियर, द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स 315 से 323 जो हैं, वो आपके पार्ट 14 में जो मेंशन है, दे डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ MPPSC के मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शंस और उनकी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यही सेट ऑफ आर्टिकल्स आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड हैं, यही आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। ओके, आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। चलो, कमेंट्स तो आ रहे हैं फिलहाल, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम MPPSC के फॉर्मेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अब एग्जाम पास में है तो पॉलिटी पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा, तो जब हम रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं स्टेट्स का, तो जब मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ था, तो जब मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश के पास कोई भी, इट हैड नो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट ऑफ भोपाल एंड विंध्य प्रदेश। तो थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेट करेंगे, तो भोपाल और विंध्य प्रदेश के पास एज सच कोई अपना खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ये जो थे, दे वर अ पार्ट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स, और जो पार्ट सी स्टेट्स होते थे, उनसे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होता था, उनसे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होता था, दैट वॉज डन बाय UPSC। तो आपने देखा कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो जो आपका एरिया ऑफ भोपाल और विंध्य प्रदेश था, दे डिड नॉट हैव देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स। सो व्हाट हैपेंड, इनका जो रिक्रूटमेंट था पार्ट सी का, दैट वाज डन बाय द यूनियन, ये यूनियन करता था, तो इसलिए ये UPSC के अंदर आते थे। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दे नीडेड देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन।
दे नीडेड देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन. देयरफॉर आपका नया MPPSC द न्यू मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर सेक्शन 118 क्लॉज 3 ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. नाउ व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? पिछला पेपर अगर दिया है या नहीं दिया है और अगर देखा है तो स्ट्रेट क्वेश्चन आया था कि कौन सा सेक्शन डील करता है, कौन सा सेक्शन डील करता है. तो सेक्शन 118 क्लॉज 3 जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस सेक्शन एंड द क्लॉज. ओके, अब बात आती है फॉर्मेशन की. तो फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1 नवंबर 1956, मैंने बताया रीऑर्गेनाइजेशन के बाद. लेकिन जो आपका इसके लिए नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया था, द नोटिफिकेशन जो था वो आया था आपका 27 अक्टूबर 1956 को. तो नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 1956 को आया, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड 1 नवंबर 1956 से ये आ गया, ठीक है. तो नोटिफिकेशन की डेट आपकी 27 अक्टूबर है, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है. पल्लवी अग्रवाल इज सेइंग सेक्शन 118 क्लॉज 2. देखो 118 क्लॉज 2 से पुराना पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो हटा था, जो नया फॉर्म हुआ था वो 118 क्लॉज 3 से फॉर्म हुआ था, ठीक है. अगर प्रॉब्लम है तो मतलब अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट देखो, उसमें क्लियरली मेंशनड है ये. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर. अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इंदौर में है. एंड प्रेजेंट चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन आज की डेट मैंने डाल दी है कि एज ऑफ 18 अप्रैल 2022 आपके जो चेयरमैन है वो राजेश लाल मेहरा है. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है. अब अपॉइंटमेंट की बात करें, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. आई होप इतनी चीज़ क्लियर है. एक बार वेबसाइट देख लो, वेबसाइट पे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे स्ट्रेट आपके जो चेयरमैन है वो मैंशनड है, ऑनरेबल डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब हमने देखा था एलिजिबिलिटी की बात करी थी कल, हमने जब यूपीएससी पढ़ा था तो हमने देखा था कि एज सच आपके यूपीएससी से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस हैं दे आर नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द क्वालिफिकेशन इज नॉट मेंशनड इन द संविधान, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और हमने एक एक कंडीशन देखी थी, दैट वॉज कि आपके जो आधे मेंबर्स होने चाहिए कमीशन के, जो आधे मेंबर्स आपके होने चाहिए दे मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स. उनका 10 साल का पिछले एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, ठीक है. सिमिलरली आपका अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप इतना चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है. आगे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की. अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो एक चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स. अगर हमने जब यूपीएससी देखा था तो हमने देखा था कि जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में स्ट्रेंथ गिवन नहीं है, लेकिन यूजुअली 9 से 11 मेंबर्स यूपीएससी में होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन. मैंने इंक्लूडिंग वर्ड पे फोकस किया था. तो 9 से 11 मेंबर होते हैं यूपीएससी में इंक्लूडिंग द चेयरमैन. लेकिन अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वी जस्ट हैव 1 चेयरमैन एंड सम अदर मेंबर्स. द स्ट्रेंथ हियर की कितने मेंबर्स होने चाहिए दैट इज लेफ्ट टू द गवर्नर. सेंटर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्ट्रेंथ है वो डिस्क्रीशन है प्रेसिडेंट का, वेयर एज स्टेट में वो डिस्क्रीशन है या विल है गवर्नर की. आई होप इतना समझ में आ गया है. नाउ जैसा कि मैंने बताया अभी कि कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच, आपके मेंबर्स से रिलेटेड क्या कौन से मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनकी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है. एक्सेप्ट क्या दिया गया है, 1/2 आपके जो मेंबर्स होने चाहिए सेम कंडीशन है जैसे कि सेंटर में थी, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में थी, वैसी ही आपकी स्टेट में है कि एटलीस्ट आपके जो आधे मेंबर्स होने चाहिए उन्होंने एटलीस्ट 10 साल के लिए काम किया हो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर,
ठीक है। अब स्ट्रेंथ के अलावा हमने जब कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर की बात करी थी, टर्म्स और कंडीशन ऑफ सर्विस की जब हमने बात करी थी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इट वाज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यूपीएससी के केस में प्रेसिडेंट था, तो स्टेट के केस में कौन होगा? स्टेट के केस में इट वुड बी द गवर्नर, गवर्नर डिसाइड करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम टेन्योर की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। यहाँ पे अगर आपका चेयरमैन का टर्म और अदर मेंबर्स का टर्म देखें, तो वो 6 ईयर्स और एज ऑफ 62 है। नाउ पीपल हु हैव बीन रेगुलर इन माय क्लास विल टेल मी कि जो यूपीएससी था, यूपीएससी में टर्म कितना था? 662 था, 665 था, 562 था या 565 था? ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो उनका जो टर्म है मेंबर्स का और चेयरमैन का, या तो वो उनका टेन्योर 6 साल का खत्म हो जाएगा या उनकी एज 62 हो जाएगी, विच एवर हैपन्स अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, उस हिसाब से उनका टर्म डिसाइड किया जाएगा। इतना समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं कि इनके अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दी अपॉइंटमेंट, अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, तो द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नर। द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नर। भाई गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, लेकिन जो रिमूवल होगा दैट वुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर रेजिग्नेशन देना है, अगर किसी मेंबर को या चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन देना है, तो वो रेजिग्नेशन गवर्नर को ही देगा। जब हम यूपीएससी की बात कर रहे थे, तो अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रेजिग्नेशन तीनों प्रेसिडेंट के पास जा रहा था। लेकिन जब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो जो आपका अपॉइंटमेंट है और जो रेजिग्नेशन है, वो गवर्नर के पास जा रहा है, लेकिन जो रिमूवल की प्रोसेस है, वो सिमिलर टू यूपीएससी ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, कूल करो, आगे बढ़ेंगे। 665 आंसर दिया है सतीश, अमोल, रवि, साधना, वेरी गुड, इट्स 665। ठीक है, तो टेन्योर जो यूपीएससी से रिलेटेड है, वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज का दिया गया है। और यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल देख लिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का और चेयरमैन का। ठीक है, इतनी बात हो गई है। ओके, वेरी कूल, लेट्स मूव अहेड। नाउ आपके जो गवर्नर हैं, अगर कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं, एज इन अ चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, इफ द चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल, द पोजिशन इज वेकेंट, या आपका जो चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो गवर्नर किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है एज द एक्टिंग चेयरमैन। ठीक है, तो ये पॉइंट में यहाँ यही मेंशन है कि आपके जो गवर्नर हैं, स्टेट के जो गवर्नर हैं, नाउ टेल मी कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आपके जो गवर्नर हैं, दे कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमपीपीएससी एज द एक्टिंग चेयरमैन। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो के जो मेंबर्स हैं, उसमें से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है एज द एक्टिंग चेयरमैन गवर्नर के द्वारा। टू सर्कमस्टांसेस पे, दो ही कंडीशंस पे ऐसा किया जा सकता है, या तो ऑफिस ऑफ चेयरमैन वेकेंट है, या जो आपके चेयरमैन है ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, किसी भी कारणवश वो अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इन दो कंडीशंस में गवर्नर जो हैं वो एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। दीपक कुमार ने आंसर दिया है मंगू भाई। ठीक है, मंगू भाई हमारे, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के वेरी गुड प्रेजेंट गवर्नर हैं। अब हम बात करें आर्टिकल्स की, तो हमने यूपीएससी में देखा था कि 315 से 323 जो आर्टिकल्स हैं, ये आपके डील करते हैं। सिमिलरली यही सेट ऑफ आर्टिकल्स आपके पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर आते हैं ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, अभी आर्टिकल 315 पे फोकस करो। इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 315, तो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, यू नीड टू सी दीज टू वर्ड्स, यूनियन और स्टेट। मैंने क्यों बोला कि सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो यूपीएससी और एमपीपीएससी, या बोलो तो किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इसलिए बोला गया कि आर्टिकल 315 मेंशंस कि आपके यूनियन और स्टेट्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। सिर्फ यूनियन नहीं बोला है इस आर्टिकल ने,
है. इस आर्टिकल ने यूनियन के साथ साथ स्टेट्स भी मेंशन किया है. सो दैट मेक्स द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स एप्लीकेबल फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स. ठीक है, ये बाकी आर्टिकल्स हैं, एक बार इनको पढ़ लेना. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 315 विच यू नीड टू रिमेंबर. ठीक, अभी हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट पब्लिक सर्विस के चेयरमैन एंड मेंबर्स का. द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नर. द रेजिग्नेशन इज गिवन टू द गवर्नर. इफ यू एज एन इंडिविजुअल आर अ मेंबर ऑफ द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यू वॉन्ट टू रिजाइन बिफोर योर टेन्योर एंड्स, आपका टेन्योर खत्म होने के पहले आपको रेजिग्नेशन देने का मन है, तो आप किसके पास जाएंगे रेजिग्नेशन देने? यू विल गिव योर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर. ठीक है, लेकिन अगर रिमूवल की बात आती है, अगर आपके रिमूवल की बात आती है, आपको हटाए जाने की बात आती है बिफोर योर टेन्योर एंड्स, तो ये कौन करेगा? दिस वुड बी डन बाय द प्रेसिडेंट. और कल की क्लास अगर देखी है तो ये इजीली समझ आएगा कि प्रोसेस जो है वो सेम है एज रिमूवल ऑफ यूपीएससी के मेंबर्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर बोलता है कि यूपीएससी के मेंबर्स में से किसी को हटाना है, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन? आपका जो प्रपोजल होता था, ये मैटर जो होता था, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था. सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाता था. उस इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता था कि वी आर अपहोल्डिंग द कॉज ऑफ रिमूवल, अगर किसी कॉज ऑफ रिमूवल को अपहोल्ड किया जाता है और वो बोलता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी है उससे ये बोला जाता है कि हाँ द कॉज ऑफ रिमूवल इज वैलिड, वी आर अपहोल्डिंग इट, तो फिर जो कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है कि फलाना फलाना मेंबर को या चेयरमैन को रिमूव किया जाए. तो जब ये रेकमेंड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को करेगा, तो दिस एडवाइज वुड बी बाइंडिंग और नॉट? ये एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो बाइंडिंग होगी कि नहीं, वो बताओ जल्दी से. कल की क्लास देखिए तो बहुत ईजिली पता चल जाएगा. ठीक है, सो फॉर दोज हु आर अटेंडिंग इट टुडे, आई विल टेल यू कि ये एडवाइस अगर सुप्रीम कोर्ट देता है प्रेसिडेंट को कि हाँ फलाना मेंबर को या चेयरमैन को हटाना चाहिए, देन दिस एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो इट. ठीक है, प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो इट. वेरी गुड परितोष, इट इज बाइंडिंग, करेक्ट. ठीक है, इट इज बाइंडिंग. अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम सर्टेन कंडीशंस जो हमने कल यूपीएससी के केस में देखी थी, ठीक है, सिमिलर कंडीशन आपकी एक है कि आपको मिसबिहेवियर के लिए भी हटाया जा सकता है. आपको एज एन मेंबर को, चेयरमैन को मिसबिहेवियर के लिए भी हटाया जा सकता है. तो ये आपको याद रखना है कि ये जो टर्म मिसबिहेवियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इस कॉन्टेक्स्ट में इनके रिमूवल से रिलेटेड जब उनके मिसबिहेवियर की बात आती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करके रखा है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है आई होप. नाउ आगे बढ़ते हैं. हमने यूपीएससी की इंडिपेंडेंस की बात करी थी. हर चीज देखो सिमिलर ही चलेगी. वो सेंटर में सिमिलर बोल रही हूँ, एकदम सेम नहीं बोल रही हूँ, सिमिलर की बात कर रही हूँ. तो सेंटर में जो चीजें प्रेसिडेंट कर रहा था, स्टेट में वही चीज गवर्नर कर रहा है. अब इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस, तो आपके जो चेयरमैन या मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनको रिमूव किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया, बाय द प्रेसिडेंट ओनली. प्रेसिडेंट कर सकता है, एंड ये प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं कर सकता कि मन किया आज इसको हटाए तो हटा दे. देर आर सर्टेन कंडीशंस, एंड ये कंडीशंस एंड ग्राउंड्स जो हैं, दे आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्हीं ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट मेंबर या चेयरमैन ऑफ एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन को उसी ग्राउंड पे रिमूव कर सकता है जो ग्राउंड्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है. विच मीन्स, इससे ये इम्प्लाय होता है कि आपके जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं, दे एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. मतलब सिर्फ उन्हीं कंडीशंस पे रिमूव किया जाएगा, ऐसे ही नहीं रिमूव कर दिया जाएगा. सो दिस इज वन पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. आई होप इतनी चीज क्लियर है. ठीक है, दूसरे पॉइंट पर फोकस करते हैं. तो इनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, चेयरमैन और मेंबर दोनों का, इसको यद्यपि डिटरमाइन गवर्नर करता है, लेकिन इन लोगों के अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज पे इसको कम नहीं किया जा सकता है, या डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता है. तो आप अगर एक बार अपॉइंट हो गए हैं, तो आपका जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको आपके डिसएडवांटेज पे नहीं लाया जाएगा. इतनी बात क्लियर है.
आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी यूपीएससी में भी सिमिलर चीज कि जो एंटायर एक्सपेंसेस हैं, जो एंटायर एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग आपकी एक्सपेंसेस की बात हो रही है, जो भी खर्चा हो रहा है इंक्लूडिंग योर सैलरीज अलाउंसेस और पेंशंस, किन की? चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कल जब हमने बात करी यूपीएससी की तो हमने देखा था कि द एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट थी, चार्ज्ड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे वी हैव चार्ज्ड एक्सपेंडिचर एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो भी कंसर्न स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किया जाएगा, ठीक है? नाउ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और वोटेड एक्सपेंडिचर में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लेट मी समराइज इट इन अ वेरी सिंपल वे। अगर मैं एक सेंटेंस में उसको बहुत ईजी तरीके से डिफाइन करना चाहूँ तो वी कैन पुट इट एज कि चार्ज्ड वोटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपके पार्लियामेंट में या फिर आपके स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाता है, ठीक है? यानी कि एक तरीके से बजट में जो आपके एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जिन पर वोट किया जाता है, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स की तरह आते हैं, ठीक है, वो आपके वोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। चाइल्ड एक्सपेंडिचर पर वोट नहीं किया जाता है। तो इवन दो द बजट डज नॉट पास, अगर बजट नहीं पास हो रहा है या डिमांड फॉर ग्रांट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपके जो चाइल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो वोट नहीं किए जाते हैं, ठीक है? तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी सैलरीज अलाउंसेस और पेंशंस, किन की? चेयरमैन की और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। दे आर नॉट वोटेड, दे आर चार्ज्ड। किस पर चार्ज्ड? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर चार्ज्ड। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ लाइक वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, लाइक वी डिस्कस्ड द इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कि वहां पे आपके जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं वो सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इन द सेंस कि अगर चेयरमैन है कोई यूपीएससी का तो वो अगले टर्म में चेयरमैन नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का तो वो नेक्स्ट टर्म में मेंबर नहीं बन सकता, वो नेक्स्ट टर्म में चेयरमैन बन सकता है। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या कि आपका जो चेयरमैन है या मेंबर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, अपना पहला टर्म कंप्लीट करने के बाद इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसका रीअपॉइंटमेंट उसी ऑफिस में नहीं किया जा सकता। तो लेट अस से कि तान्या जो है वो मेंबर है एमपीपीएससी की, तो तान्या अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद, फर्स्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद अगले टेन्योर में फिर से मेंबर नहीं बन सकती स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। दिस इज वन पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। इतनी चीज क्लियर है तो कूल करो, देन वी मूव अहेड। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो अभी हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। तो आपका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनना, सुनिए ध्यान से कि आपका जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि किसी स्टैट्यूट से आती है। स्टैट्यूट मतलब किसी लॉ से आती है। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसी लॉ से लाया जाएगा, वो किसी एक्ट से लाया जाएगा, और हर स्टेट का जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होता है। इट इज ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट्स। यदि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, ओनली देन अ लॉ वुड बी पास्ड इन द पार्लियामेंट और आपका एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया जाएगा फॉर दो स्टेट्स जिनने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है? तो क्योंकि एक लॉ पास किया गया, एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, एक एक्ट पास किया गया, तो आपका जो भी एक्स वाई जेड स्टेट्स के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई होप इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर है
यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट कल के दिन अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं दैट वी वांट अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेंटर जो है वो पार्लियामेंट में एक लॉ पास करेगा, जो एक एक्ट बनेगा, एंड फाइनली इन चारों स्टेट्स के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा। तो इन दैट केस इट वुड बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इतनी बात क्लियर है, तो वील मूव अहेड। ठीक है, तो अब इस जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करेंगे, तो इसके चेयरमैन और इसके मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली बात है कि चार स्टेट्स हैं, थोड़ा ऐसे समझो कि चार स्टेट्स हैं, चारों चाहेंगे कि उनके उससे उनकी मर्जी से चेयरमैन आए या उनकी मर्जी से मेंबर्स आए, या वो चाहेंगे कि हमारे स्टेट का कोई मेंबर चेयरमैन बने, तो इसमें बहुत ज़्यादा केओस और प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इनका जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर करता है, एज इन वो प्रेसिडेंट करेगा। तो आपके जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा, तो ये लोग रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में ऐसे समझ लो कि क्योंकि केओस ना हो, क्योंकि स्टेट्स आपस में लड़ाई ना करें, तो सेंटर में प्रेसिडेंट अगर बैठा है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उनके चेयरमैन और मेंबर्स को, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा, और वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे। इनका जो टेन्योर है, जो यहाँ पे जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं, इनका जो टेन्योर है दैट इज सिमिलर टू आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, विच इज इनका जो टर्म है वो या तो 6 ईयर्स है या 62 ईयर्स है, दोनों में से जो भी अर्ली हो जाता है। एक ये चीज हो गई। अब फिर से देख लेते हैं कि आपका जो JSPSC है, जॉइंट सर्विस पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनका जो अपॉइंटमेंट है दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, इनके मेंबर्स और चेयरमैन का रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, एंड रेजिग्नेशन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। इनके जो मेंबर्स और चेयरमैन है, इनका जो टेन्योर है वो या तो 6 ईयर्स का उनका टेन्योर होगा या 62 ईयर्स की एज उनकी हो जाएगी, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाता है उस बेसिस पे उनका टेन्योर डिसाइड किया जाएगा। इतनी चीज आई होप क्लियर है। ठीक है, अब जो भी आपका JSPSC है, ये अपने एनुअल परफॉर्मेंस के, साल भर के परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करता है हर स्टेट के गवर्नर को। मतलब मैंने अगर आपको चार स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर इनका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, तो इनकी जो भी एनुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट हर गवर्नर को, हर स्टेट के गवर्नर को, मतलब हर स्टेट एज इन वो जो चार स्टेट्स हैं उन स्टेट के गवर्नर को JSPSC देगा। फिर ये जो गवर्नर्स हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, ये जो गवर्नर्स हैं ये उस रिपोर्ट को अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक और पॉइंट है विच इज इम्पॉर्टेंट, विच इज इम्पॉर्टेंट। इतनी चीज क्लियर है। नाउ वी हैव दिस लास्ट पैराग्राफ विच इज इम्पॉर्टेंट, एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपके गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने बोला था कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश होना चाहिए। सेंट्रल वर्ड यूज हो रहा है, विच वॉज फाइनली सेटअप इन 1926, जो हमने देखा था यूपीएससी पढ़ते टाइम ली कमीशन रॉयल कमीशन के फॉर्म में रेकमेंड किया गया था, एंड फाइनली इट वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, तो 1919 के एक्ट से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया था, लेकिन एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन अलोंग विद योर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो जॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। अब अगर हम चेयरमैन की बात करें सॉरी, अब अगर हम लिस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी की बात करें, तो आपके पहले चेयरमैन कौन थे? आपके पहले चेयरमैन थे श्री डीवी रेगे। ठीक है, अब इनका डेट ये क्यों है ये समझ में आ गया होगा अगर क्लास स्टार्टिंग से देखी है तो, कि ये कब से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ चेयरमैन दी हुई है, एंड फाइनली राजेश लाल मेहरा दिए हुए हैं यहाँ पे, हु वॉज अर्लियर द एक्टिंग चेयरमैन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्टिंग चेयरमैन गवर्नर कैसे अपॉइंट करता है और कब अपॉइंट करता है। तो दो सर्कमस्टांसेस जब होते हैं, या तो आपका जो चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस पूरे नहीं कर पा रहा है ड्यू टू हिज एब्सेंस,
या तो उसकी पोजीशन जो है इट फॉल्स वेकेंट। इन दो कंडीशंस में जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर को एज द एक्टिंग चेयरमैन। तो आपके राजेश लाल मेहरा पहले एक्टिंग चेयरमैन रह चुके थे एंड प्रेजेंटली ही इज द चेयरमैन ऑफ एमपीपीएससी। इनकी फोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी थी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी थी, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एंड ये आपके प्रेजेंट चेयरमैन है। आई होप इतनी चीजें क्लियर है एंड दिस इज दैट वी आर डन विद द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, थोड़ा सा लैग कर रहा है प्रॉबेबली ये, ठीक है। तो वी आर डन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इलेक्शन कमीशन। वी आर ऑल्सो डन विद यूपीएससी एंड टुडे वी कंप्लीटेड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स हो तो एक बार पढ़ने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है मेल करो, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड वीडियो के लिंक में देयर इज ऑल्सो अ गूगल फॉर्म, उसको प्लीज़ फिल करो। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ प्रोसीडिंग विद सम अदर सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए एक बार फॉर्म को फिल करो। आई शुड बी नोइंग वॉट यू ऑल आर एक्सपेक्टिंग एंड आई होप द क्लास वॉज गुड, यू लाइक इट, यू अंडरस्टूड थिंग्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।